हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ी भर्ती की, जो कि 1,70,000 पदों पर होगी और यह परमानेंट शिक्षक भर्ती है। कहाँ से निकाली गई है ये, क्या नई अपडेट जो है वो अभी निकल कर आई है और किस किस विषय की होगी, क्या आप लोग जो है वो इसे भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से जो है इसको देखेंगे। इस विषय पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन बच्चों को कुछ डाउट था, तो वह सब आज क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है वो बच्चों की यहाँ पर थी कि क्या हम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि प्राथमिक विद्यालय के 1 to 5 के टीचर बनने के लिए कितने पदों पर भर्ती हो रही है, तो लगभग 80,000 79,943 पदों पर भर्ती होगी, जो कि अभी तक किसी भी स्टेट के द्वारा नहीं निकाली गई है, केवल और केवल 1 to 5 के टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय की अगर हम बात करें, यानी 9वीं 10वीं को पढ़ाने के लिए कितने पदों पर भर्ती होगी, तो यह 32,916 पदों पर भर्ती होगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए यहाँ पर सभी सब्जेक्टों की जो है वैकेंसी निकाली है, परमानेंट शिक्षक भर्ती है यह, और यह 57,602 पदों पर होगी। यानी कि मैंने आपको बताया कुल मिलाकर 1,70,000 पदों पर होने वाली सबसे बड़ी अभी तक की सरकारी शिक्षक भर्ती है। क्या क्वालिफिकेशन है इसकी, क्या हम इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात जो है क्या है, सबसे पहली बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य से यह भर्ती जो है निकाली गई है इतनी बड़ी। ठीक है, जहाँ अध्यापक के कुल 1,70,000 पदों पर यह भर्ती होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चों के जो है पहले डाउट था कि हम लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यानी भारत का तो नागरिक हो और बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तो पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें ये बात स्पष्ट थी कि केवल बिहार राज्य के बच्चे ही जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे, इतनी बड़ी भर्ती का जो फॉर्म है भर सकते हैं। लेकिन अब जो नई अपडेट आई है बिल्कुल कुछ ही घंटे पहले, तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि बिहार राज्य के साथ में किसी भी स्टेट के हों आप, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को वो न्यूज़ भी दिखाऊंगी जहां पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, और वह नोटिस भी दिखाऊंगी। तो बिल्कुल फेक नहीं है ये, बिल्कुल जो है वो पक्की जो है न्यूज़ है। आप लोग सभी अप्लाई करना, ये बहुत बड़ी भर्ती है। टीचर बनने का जो सपना है वो आप लोगों का 100% पूरा होगा। और जो भी आप लोगों ने पढ़ाई की है, यानी एक जगह की जो पढ़ाई वो दूसरी जगह काम आती ही, टीचिंग जो है वो एक जैसी ही रहती है हर जगह की। यहाँ पर 1 to 5 का अगर आपको अध्यापक बनना है तो क्या रहेगी आपकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th होनी चाहिए, जैसा कि हर जगह मांगा ही जाता है। कोई 2 वर्ष का जो है वो डिप्लोमा आपने शिक्षा शास्त्र में किया हो। ठीक है, यदि आपने बीएड भी किया हो, यानी कि 1 to 5 के लिए जो है आपने बीएड भी किया हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में जो है वो बच्चे अप्लाई करेंगे भी। दूसरी बात हम देखें, यहाँ पर 9 से लेकर 10th, तो यानी 9वीं और 10वीं के अध्यापक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो यहाँ पर कहा गया है कि आपने बीएड तो की होनी ही चाहिए, साथ में जो है वो ग्रेजुएशन में आपने जो है ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जो कि यहाँ पर मांगा गया है। अभी हम उसे भी देखेंगे। तो कक्षा 9 से 10 तक आपने मैथ, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं मैथ के, तो ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। साइंस के अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय, इनमें से आपने जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए, इतिहास और भूगोल, इनमें से एक तो विषय आपका पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा विषय है वह आपका भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र हो सकता है, यानी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से 2 विषय आपने जरूर जो है ले रखे हों ग्रेजुएशन में। भाषा से संबंधित अगर विषय है तो यहाँ पर जो है स्नातक स्तर पर जो है वो आपने पढ़ा होना चाहिए। 11वीं 12वीं की अगर बात करें तो बिल्कुल बीएड मांगा गया है यहाँ पर,
और जो भी सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसमें 50% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स और बीएड या बीएससीएड। नेक्स्ट हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स कॉमर्स बायोलॉजी और मैथ, यहाँ पर अगर ऑप्शन भी दिए हैं, अगर आप फिजिक्स के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा हो, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो है केमिस्ट्री के अध्यापक बनना चाहते हैं तो बायो केमिस्ट्री में भी अगर करा है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए भी ऑप्शन है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। कॉमर्स के लिए जो है वो आपके सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं, आपने एम कॉम किया हो। बायोलॉजी जो है इसमें आपने यहाँ पर बायो के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आपने ग्रेजुएशन में जो है ये सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं तो आप जो है ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, आपने जो है पीजी किया हुआ है इस सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें से जो है वो ग्रेजुएशन में आपने जो है इनमें से जो है सब्जेक्ट पढ़े हों, और मैथ के लिए जो है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। एक कंप्यूटर जो साइंस कंप्यूटर विषय जो होता है तो उसके लिए बीएड नहीं मांगा जाता है, इसके लिए जो है वो आपने पीजी किया हो, आपने जो यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर कोई भी संस्थान हो सकती है DOEACC से आपने जो है ए स्तर का किया हो, कोई भी आपने उपाधि ली हो, या आपने बीई बीटेक जो है किया हो कंप्यूटर साइंस आईटी या इसके समान कोई भी जो उपाधि होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, यानी जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपने किए होने चाहिए। यहाँ पर बीएड जो है नहीं मांगा गया है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। संगीत विषय जो है उसके लिए आपने 50% अंकों के साथ जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में जो है क्या किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। इसी तरीके से कॉमर्स विषय के भी जो है वो कई ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप जो है वो अच्छे से देख लेंगे। अन्य भी विषय हैं। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि पहले का नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें बिल्कुल ये दिखाया गया है कि अगर आपने CTET पेपर 1 प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET पेपर 1 क्लियर कर रखा है या फिर आपने BTET पेपर 1 क्लियर कर रखा है, BTET पेपर 1, ठीक है, तो आप जो है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। माध्यमिक विद्यालय के अगर आप बनना चाहते हैं तो आपने STATET यानी कि BTET आपने कर रखा हो पेपर 1, ठीक है, STATET या फिर आपने अन्य राज्य का कोई कर रखा हो। अब तो सभी जो हैं शामिल हो गए हैं यहाँ पर, अभी मैं आप लोगों को जो नोटिस दिखाऊंगी, सभी अभ्यर्थी जो किसी भी स्टेट से हो जिन्होंने बीएड किया हो या वहाँ का जो भी डिग्री होती है शिक्षक से संबंधित तो वह की हो, तो वह सब अप्लाई यहाँ पर कर लोगे, क्योंकि STATET यानी अपने जो स्टेट का आपने टेट क्लियर कर रखा है या आपने CTET क्लियर कर रखा है पेपर 1 या 2, तो आप यहाँ प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आई होगी, बिल्कुल डाउट क्लियर हुआ होगा कि आप सभी अप्लाई कर पाओगे। आयु सीमा जो है वो यही रहती है कि पुरुष जो होते हैं उनकी 37 वर्ष रहती है जनरल कैटेगरी में, 40 वर्ष जो है वो महिला की रहती है, और जो आरक्षण होता है उससे संबंधित आपको जो है छूट मिलती ही है। अब जो नोटिस जारी हुआ है वो आप देख लें, शिक्षा विभाग बिहार पटना से, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन जो हुआ है, यानी जो संशोधन हुआ है इसमें ये कहा गया है कि बिहार के स्थायी निवासी होने की जो अर्हता है यानी अनिवार्यता जो है वह अब नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हों तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक जो है न्यूज़ जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। आप फॉर्म भरेंगे, आपके पैसे खर्च होंगे, तो आपकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किया गया है। बिहार का स्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं होगा। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जिसमें बिहार का निवासी होना पहले जो अनिवार्य था उसे हटा दिया गया है। अब शिक्षक को अगर आप बिहार का स्थायी निवासी नहीं भी हैं तब भी आप इसके लिए
अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पहले बिहार निवासी होना जरूरी बताया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। 25 एजेंडों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी।